भाजपा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के अब तक के लिए गए फैसलों को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि पूर्व कैबिनेट के फैसलों को प्रशासनिक आदेश से निरस्त नहीं किया जा सकता है। भाजपा ने चुनौती दी है कि जनहित में लिए गए ये फैसले वापस नहीं लिए जाते हैं तो सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगे। मामले को लेकर क्या बोले भाजपा उपाध्यक्ष संजीव कटवाल, सुनिए। कि सत्ता परिवर्तन के बाद जो यहाँ ऑफिस खोले गए उसका डी नोटिफाई कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जब माने जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में सरकार थी, जितने भी ऑफिस हैं वो लोगों के डिमांड के ऊपर खोले गए थे। जो लोगों ने इच्छा जाहिर की थी, लोगों को लगता था, पब्लिक को लगता था कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है और सरकार को भी लगता है, सरकार ने ऑफिस खोले। और कई ऑफिस तो ऐसे थे जिनको एक एक लगभग एक वर्ष हो रहा है, वहाँ चाहे वो स्टाफ बैठा हुआ है, काम लगा हुआ है, लेकिन सत्ता परिवर्तन के साथ बदले की भावना से कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ये सारे ऑफिस को डी नोटिफाई कर दिए। तो कई बार ऐसा लगता है कि सरकार ही डी नोटिफाई है। तो मैं तो मान्या मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ कि वो अपनी कैबिनेट बनाएं, कैबिनेट बनाने के बाद अगला काम करें। वो उनका ये कि काम है, वो कैबिनेट की चिंता छोड़ के केवल ऑफिसों को डी नोटिफाई करना, यही काम लगा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी कोर्ट में गई है कि लोगों ने जो लोगों के हित के लिए, लोगों के जिनकी ज़रूरत थी, डिमांड के अनुसार जो ऑफिस खोले थे, उनको भारतीय जनता पार्टी कोर्ट के द्वारा बहाल करवाएगी और लोगों को जो उसका सदुपयोग या जिसका लाभ मिलने वाला है वो मिलेगा। तो मैं तो दोबारा यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी रुकने वाली नहीं है। इसी तरह चलता रहा तो भारतीय जनता पार्टी सड़कों में आके आंदोलन करेगी और अपने हक को लेगी, जो ऑफिस खोले उन ऑफिसों को शुरू करवाएगी। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़ के साथ।